फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख सकते हो मेरा पुराना बाइक का इंजन ग्लोसी शाइन कर रहा है। तो आपको भी ऐसा ही चाहिए तो ये पूरा वीडियो आप देख सकते हो। तो मैंने इसको शाइन करने से पहले मेरा इंजन था, अभी इसको टीवीएस इंजन कोट से इसको कोटिंग करेंगे, पूरा इसको वॉश करके इसको कोटिंग करेंगे। आप देख सकते हो मेरा बाइक इंजन में ये पूरा वाइट हो रखा है, इसको हम कोटिंग मार के शाइन करेंगे ग्लोसी शाइन पे। तो आप इसको पहले एक बार वॉश करके माइक्रो पर्पस क्लोथ से इसको क्लीन करके कोटिंग मारेंगे, दो बार कोटिंग करेंगे। तो इसको आपको आपका पुराना बाइक को पूरा इंजन वॉश करके ही स्प्रे करना है ताकि अच्छा रिजल्ट आ सके, नहीं तो आपको डायरेक्ट भी मार सकते हो। तो मैंने इसको पूरा वॉश किया हूँ, तो इसको मैंने एक बार कोटिंग करेंगे। तो इसको स्प्रे करने से पहले इसको एक बार शेक करके आप फिर इसको मार सकते हो। तो जब कोटिंग मारने से पहले आपको इग्निशन को ऑफ करना है ताकि ये हाईली फ्लेमेबल है, तो इंजन भी ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, इसको भी ध्यान में रख के इसको कोटिंग मारेंगे। तो पहले एक बार आपको सैंपल मार के देखता हूँ तो ये कैसे रिजल्ट आ सकता है। तो थोड़ा इसमें स्प्रे करेंगे तो इसको रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये ग्लोसी शाइन मार रहा है अभी, तो इसको पूरा कोटिंग करेंगे एक बार हम, तो उसके बाद आपको 10 मिनट इसको छोड़ देंगे। तो पहले आप शेक करके इसको अच्छी तरीके से एक बार कोटिंग करेंगे। तो देख सकते हो पहली बार में ग्लोसी शाइन मार रहा है। तो पूरा इंजन पे इसको स्प्रे करेंगे और हिस्से को भी इसका स्प्रे करके छोड़ देंगे 10 मिनट तक। तो देख सकते हो ऊपर, तो ऊपर इंजन का ऊपर भी हम इसको कोटिंग करेंगे। तो इसको टैंक को भी खोल के ऊपर हिस्से पे आप स्प्रे मार सकते हो। तो मैंने टैंक को नहीं खोला हूँ, तो वहाँ से हम स्प्रे करेंगे। तो आप देख सकते हो पूरा ऊपर भी स्प्रे कर रहा हूँ। तो इसको मार के हम 10 मिनट तक छोड़ेंगे। अब दूसरी साइड भी हम करेंगे। तो आप देख सकते हो इस भी इस साइड पर भी हमने स्प्रे करना है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो ताकि आपको नया नया वीडियो डाल सकूं। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो फटाफट के। तो उस साइड पे हम इसको कोटिंग मारेंगे और इससे पे इसमें कोटिंग करेंगे। दूसरा पार्ट भी कवर करके इसको स्प्रे करना है। तो मैंने ऐसा ही स्प्रे कर रहा हूँ। तो हर हिस्से पे इसको अच्छे तरीके से स्प्रे करना है। तो इंजन के ऊपर भी हमने कोटिंग कर रहा हूँ। तो आप इसको साइड पैनल के निकाल के भी स्प्रे कर सकते हो पूरा इंजन पे। तो आप देख सकते हो पहली कोटिंग में भी ग्लोसी शाइन मार रहा है। तो इसको हम 10 मिनट छोड़ देंगे। तो ऊपर भी आप देख सकते हो इसको साइड भी हम मारेंगे। तो ये पूरा हो गया, तो इसको 10 मिनट आप छोड़ देंगे। तो उसके बाद आपको दूसरा कोटिंग भी मार रहा हूँ। तो आपका भी इंजन बाइक इंजन पुराना हो गया तो आप इसको यूज़ करके आपका इंजन भी ग्लोसी शाइन मार सकते हो। तो ये इसमें आपको इंजन में ही कोट करना है, दूसरे पार्ट में आपको ये कोटिंग नहीं करना है। तो देख सकते हो दूसरा साइड भी ग्लोसी शाइन मारा है। तो ये भी 10 से 15 मिनट को छोड़ के हम दूसरा बार कोटिंग करेंगे। तो स्प्रे मारने के समय आपको मास्क ही पहनना पड़ेगा ताकि आपको सांस लेने में कोई दिक्कत ना आए। तो आपको इसको ध्यान में रख के स्प्रे करना है। तो आप देख सकते हो एक कोटिंग में भी शाइन अच्छे तरीके से आउटपुट मिल रहा है। तो इसको आप देख सकते हो, आपको दिखाता हूँ, ये पूरा वाइट हो गया था तो अभी ग्लोसी शाइन मार रहा है। तो दूसरा कोटिंग करेंगे, अभी 10 मिनट हो गया। तो हर हिस्से को भी अभी कवर करेंगे दूसरे कोटिंग पे। तो आप इजीली आप इसको ऑनलाइन से भी बाय कर सकते हो या ऑफलाइन से भी। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसको 499 पे मैंने अमेजन से बाय किया था। तो आप भी वहाँ जाके बाय कर सकते हो या ऑफलाइन शॉप पे भी इसको मिल सकता है। तो इससे आपका पुराना इंजन बाइक में भी शाइन भी डाल सकते हो।
तो पूरा एक साइड हमने कोटिंग कर दिया, तो अभी दूसरे साइड पे भी कोटिंग मारेंगे। तो ये एक साइड अब कोटिंग हो गया, अभी इसको भी दूसरा कोटिंग मारेंगे। तो आप इजीली इसको घर पे भी बना सकते हो। अनवांटेड एरिया में आपको इसको स्प्रे कर दिया तो आपने इसको क्लीनर से इजीली वाइप आउट कर सकते हो। तो ये दूसरा कोटिंग भी पूरा इंजन पे मार रहा हूँ। तो आपको इंजन का ऊपर का हिस्सा में थोड़ा थोड़ा इसको अंदर भी मारना है, तो मैंने उसको ऊपर भी मार रहा हूँ। तो आप देख सकते हो वहाँ छोड़ दिया मैंने, उस पर भी हम मार रहा हूँ स्प्रे करके, उसको भी शाइनी कर रहा हूँ। तो आगे का हिस्सा भी हमने उसको भी साइड में स्प्रे करेंगे, वहाँ भी छोड़ दिया, तो उस साइड भी हमने थोड़ा थोड़ा इसको स्प्रे करेंगे। तो ये पूरा स्प्रे कैनल से आपको पूरा इंजन स्प्रे कर सकते हो। तो इसमें क्या करता है, ये पूरा लेयर बना देता है आपका ये पूरा इंजन में, इसके आपकी बाइक में शाइन भी आ जाता है। ये पूरा स्प्रे हो गया, तो उसको हम 10 से 15 मिनट छोड़ के आपको इसका आउटपुट रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ। तो ये पूरा हो गया, तो आपको आउटपुट दिखा देता हूँ 10 के 15 मिनट से बाद के। तो आप देख सकते हो पूरा शाइनी ग्लोसी शाइनी मिल रहा है आपको, आपका नया इंजन जैसा ही दिखता है। तो अभी नया इंजन में ये कोटिंग मार के आता है, तो आप नया बाइक ले आए तो उसको उसमें ये लग के आता है। तो आप देख सकते हो पूरा इंजन में ग्लोसी शाइन मिल रहा है। इसका वीडियो में इतना ही था, तो फिर मिलेंगे अनदर वीडियो पे। तो आपका पुराना इंजन को भी पर इसको स्प्रे कर सकते हो, तो आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे। तो दूसरा वीडियो में हम नया काम कर सकते हैं, पुराना वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे जाके।